देखिए, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और ये पेपर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वक्त की ज़रूरत है कि इस पर बात की जाए, क्योंकि एनवायरमेंट का प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हमारी एनवायरमेंट डिग्रेड हो रही है। ज़रूरत इस समय की है कि इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रिड्यूस किया जाए, ऐसे मेजर्स लिए जाएं, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिसकी वजह से इसको कंट्रोल किया जाए। ये सारे मामलात, ये डिग्रेडेशन असल में इंसान की वजह से ही हुए हैं और इंसान ही इसका ज़िम्मेदार है, तो इसको कंट्रोल करना भी अब इंसान का ही काम है। सबसे पहले एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, अब थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट का आखिर क्या ताल्लुक है। इकोनॉमिक्स तो कुछ और डिसीजन मेकिंग साइंस है, ये कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और फर्म की रिसोर्स एलोकेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हवाले से बात करती है। तो एनवायरमेंट से इसका क्या ताल्लुक है, तो आज इस पर थोड़ी सी बात कर देते हैं अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विद द प्रोस्पेक्टिव एंड एनालिटिकल आइडियाज ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का ये काम है। देखिए, इकोनॉमिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई कंज्यूमर फर्म्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज make decision about the use of valuable resources. इकोनॉमिक्स सिर्फ ये नहीं है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर या फर्म कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, ठीक है, ये उसकी ब्रांच जरूर है, लेकिन असल में इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग का नाम है, चॉइस का नाम है, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन इंसान की डिमांड ज्यादा है, इसलिए रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिस्ट का, और इकोनॉमिक्स इसको स्टडी करती है। अब जिस तरह दो ब्रांचेस, इसके मेन ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो परफॉर्मेंस स्टडी करती है इंडिविजुअल की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी की वो एज ए होल परफॉर्मेंस को स्टडी करती है। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स बेसिकली ड्रॉ करती है अपने आइडियाज माइक्रो और मैक्रो से, लेकिन मोर हैवीली ये फोकस करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हम यूज करते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। Environmental economics focuses on how and why people make decisions that have environmental consequences. पहली बात ये इसको गौर करना है कि वो डिसीजन लेते हैं कि इकोनॉमिक जो environmental consequences क्या है। नंबर वन, इट focuses on how economists can change economic institutions and make environmental impacts more balanced with human desire and needs of ecosystem itself. Ecosystem की भी अपनी डिमांड है, उसकी अपनी नीड है, लेकिन आपको बैलेंस, जिस तरह हम डिजायर और रिसोर्सेज के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी, यानी एनवायरमेंट में भी हमें एक बैलेंस की जरूरत है कि ह्यूमन डिजायर की क्या है, ह्यूमन डिजायर कितनी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। अब जाहिर है प्रोड्यूशन तो होगी, लेकिन इकोसिस्टम में कितनी इसकी डिमांड है, यहां पर भी डिमांड और सप्लाई के बेसिक एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं और वो टूल अब यूज करते हैं। वी नीड एनालिटिकल टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाई, कौन कौन से टूल, व्हाई एनवायरमेंट गेट्स डिग्रेडेड। पहली बात यहां पर यह है कि एनवायरमेंट क्यों डिग्रेड होती है,
इसकी एनवायरनमेंट की क्वालिटी क्यों नहीं होती है? नंबर वन, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट, क्या नतीजे हैं इसके, क्या रिपरकशंस हैं? जब एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाती है, इसकी क्वालिटी लो हो जाती है, तो फिर क्या है इसके असरात होंगे? देन व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? इनको इन क्वेश्चन का हमने जवाब देना है। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चंस हैं। सो कैसे, इसके लिए हमारे पास इकोनॉमिक अप्रोच है। इकोनॉमिक अप्रोच में हम देखते हैं कि आया कौन जिम्मेदार है, कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है या बाकी एजेंसीज हैं। अगर देखा जाए तो सारे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सारे के सारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के जिम्मेदार हैं। कंज्यूमर कैसे है? कंज्यूमर जब कोई चीज खरीदता है तो जो चीज वेस्ट में बच जाती है उसको ओपन एयर में डाल देता है। नंबर वन, वो केयर नहीं करता कि उसको प्रॉपरली साइंटिफिकली और जो एनवायरमेंटल के प्रोटोकॉल्स कहते हैं उसके मुताबिक उसको वेस्ट करे, उसको डिस्पोज ऑफ करे। ऐसा नहीं, देखें अगर देखिए गाड़ी अगर उसकी है तो वो उसकी केयर नहीं करता है, कितना स्मोक कितना धुआं गाड़ी छोड़ती है हवा में। इसी तरीके से जो प्रोड्यूसर है, जब उसका तो असल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग है, तो उसके लिए वो इस चीज को खातर में नहीं लाता कि जब वो प्रोडक्शन कर रहा होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग का अमल जारी होता है तो कितना स्मोक हवा में जाता है और पोल्यूट करते हैं हवा को, एयर को, और कितना जो पोल्यूटेड वाटर है जो उसका अखराज है वो गंदा और जहरीला पानी जो है वो साफ पानी में, दरिया के पानी में, समुद्र के पानी में उसको खराब कर रहा होता है, पूरे सिस्टम को जो है वो खराब कर रहा होता है। तो ये उनका काम। सो अब गवर्नमेंट एजेंसीज भी जब काम करती हैं तो वो भी आमतौर पर इन चीजों का ध्यान नहीं रखती हैं। तो किसने एनवायरनमेंट को खराब किया? साबित हुआ कि मैन इंसान है, और इंसान ने जब तरक्की की, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई, तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेड। क्या इंसान को ये पता नहीं था कि इसकी वजह से आने वाली नस्लें जो हैं वो सफर करेंगी, उसकी कॉस्ट पे करेंगी? उसके लिए जरूरी है कि एथिकल जो है लेसन जरूर होना चाहिए, मोरालिटी जरूर होनी चाहिए, लेकिन इंसान उस पर काम नहीं कर रहा, सारा कुछ जानने के बावजूद भी काम नहीं कर रहा। तो इस चीज की जरूरत है, ये एजुकेट करने की जरूरत है कि हर शहरी हर फर्द इस चीज को जान ले, उसको एहसास हो, इस प्रॉब्लम जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसका उसको इदराक हो, और जो वो एक्शन लेते हैं वो कंज्यूमर है या फिर प्रोड्यूसर है, वो उसके एक्शन एनवायरमेंटली एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ये कहा जाता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो प्रॉफिट कमाता है, उसे किसी और चीज की फिक्र नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर जिम्मेदार है, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट जिम्मेदार है, बाकी जो डिसीजन मेकिंग यूनिट है वो भी असल में जिम्मेदार है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। सो इसको हम कैसे आगे लेकर जाएंगे इकोनॉमिक्स की फील्ड में, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में, इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो वेस्ट है, जब रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल है जब उसको हम प्रोसेस करते हैं, जो वेस्ट है तो उसको हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं।